सवाल, दो संख्याओं का योग 60 है एवं एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपका संख्या ए और बी है तो क्वेश्चन में ए और बी का मान कहीं नहीं मांगा है, क्वेश्चन बोला है इसके व्युत्क्रमों का योग यही होगा ना, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी और ए प्लस बी, यही आपका आंसर है। आंसर यही क्यों है, क्योंकि ए प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, 60, और ए इंटू बी का भी मान दिया हुआ है कितना, तो 12 गुना 72। अगर इस बात में किंतु परंतु है कहीं तो आइए उसको देख लेते हैं, लेकिन आंसर यही है। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ, ये दोनों का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं, और दो संख्याओं का गुणनफल ए बी है और ए बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो एलसीएम एचसीएफ का मान लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। 5 बार में काटते हैं, ये 5/72। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और देख लें, हूबहू यही क्वेश्चन अगले एग्जाम में आएगा, जरूरी तो नहीं है, इसी क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि उनमें से एक संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, या दोनों संख्याएं क्या है, तो हम लोग इसका आंसर क्या देते हैं वो भी आप देख लीजिए। तब हम लोग लिखते ए प्लस बी का मान कितना, 60, और ए इंटू बी का मान कितना, 72 गुना 12। अब हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लाइन हम लोग लिखेंगे। अब इस लाइन में अगर कुछ दिक्कत है तो इसको हम लोग बाद में आराम से देखेंगे कि ये आया कहां से, फिलहाल हम लोग अपने आंसर पर आते हैं। a माइनस बी का मान हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका मान कितना, 60 गुना 60 3600, माइनस कितना, 4 गुना 72 गुना 12 बराबर 3600, इन सभी को गुना करेंगे तो ये आएगा 3456, और 3456 जब इसमें घटेगा तो ये बचेगा 144, और जब ये रूट इधर जाएगा तो a माइनस बी का मान कितना होगा, 12। अब a माइनस बी का मान 12, a प्लस बी का मान तो पहले से पता है, देख लीजिए संख्या निकल गया, a प्लस बी बराबर कितना, 60, a माइनस बी बराबर कितना, 12, इसको काटिए, 2a बराबर 72, a बराबर 36 और b बराबर 24। अब दोनों संख्या आपके पास है, बड़ी संख्या पूछ ले तो आंसर, छोटी संख्या पूछ ले तो आंसर, दोनों पूछ ले तो आंसर। अब जरा सा इस बात में आपको अगर कहीं परेशानी है तो इसको आप समझ लीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4ab। देखिए इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 4ab है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है कि नहीं। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कहां करेंगे ये ध्यान में रखना है, जहां अंतर, जहां योग, जहां गुणनफल तीनों हो, तीनों को एक जगह लाना हो, ऐसे किसी जगह इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, अगला सवाल आपका जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से सी आई 3225 रुपया है तो धन ज्ञात करें। बहुत आसान सा सवाल, इससे आसान सवाल क्या होगा जिसका आंसर यह है,
बन गया आपका क्वेश्चन। आप क्या किए, 32.25% बराबर इतना, तो 100% बराबर, ये आपका ब्याज है और ये भी आपका ब्याज है, तो 100% धन होगा। 100% का मान निकालिएगा तो ये इससे कट जाएगा 100 बार में, और ये 100 × 100 आपका आंसर हो जाएगा 10,000। अब दिक्कत ये है कि 32.25 आया कहां से, आइए उसके लिए भी पेन लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दर 5% है ना, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 10.25। और ये लाने के लिए हम आपको कहीं पेन लगाने नहीं देंगे। 5×5 = 10, 5×5 = 25। क्या इसके लिए बहुत वक्त लगेगा क्या? अगर दर 6 है तो आप बोलिए क्या होगा, 6×6 = 12 और 6×6 = 36। अगर 8 होगा तब 8×8 = 16 और 8×8 = 64, ये परसेंट होगा। अगर आपको इस बात को लिखना है, जानना है, तो देखिए ऐसे, पहला वर्ष में क्या मिलेगा, 6, दूसरा वर्ष में क्या मिलेगा, 6, और 6×6 ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा। पहले साल 6% के दर से आपको 6 मिलेगा ना, दूसरे साल 6 मिलेगा ना, और दूसरे साल ब्याज का ब्याज छोड़ दीजिएगा क्या, ब्याज का ब्याज छोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ रहेगा, तब तो वो साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 6×6 यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, 6×6 और 6×6 यही तो करना है। अगर 10 हो तब, अगर 10 हो तब क्या कीजिएगा, 10×10 = 20, 10×10 = 20 और 10×10 = 100। तो इसका मान 1 नहीं हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 21। अगर 12 हो तो 12×12 = 24 और 12×12 = 144, 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 25.44। 15 होगा तब, 15×15 = 30 और 15×15 = 225, 2 इधर आ जाएगा हो जाएगा 32.25। तो यही तो बोले, क्या इसके लिए अलग से कोई कैलकुलेशन हम लोग को करने का जरूरत है क्या, नहीं, 1 सेकेंड में ये आएगा। और ये हम जान रहे हैं 15 के दर से 2 साल में हमको इतना मिलता है और ब्याज इतना दिया है, तो इतना परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। आइए अगले सवाल में आते, अगला सवाल, और अगला सवाल भी बहुत आसान पूछा है। क्वेश्चन बोला x+y = 12, y+z = 15 और z+x = 18 दिया हुआ है। अगर हम इन तीनों समीकरण को जोड़ लें तो योग कितना आएगा, 18, 12, 30 और ये 45, और इधर क्या आएगा, 2x, 2y, 2z, यानी इधर जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं x+y+z, और x+y+z का मान क्या, 45/2, ये आपका आंसर है। कहीं से कोई मुश्किल, देखिए इस सवाल में x+y+z का मान पूछा है, और अगले किसी दिन आपको उसमें से x का भी मान पूछ सकता है, y का भी मान पूछ सकता है, z का भी मान पूछ सकता है। जो सवाल अभी पूछा है जरूरी है वही पूछेगा क्या, अगले दिन अगर x का मान पूछा तो क्या करेंगे, x+y+z का मान हमारे पास है, इसमें y+z का मान घटा देंगे, x का मान होगा, इसी में z का मान पूछेगा तो x+y का मान घटा देंगे, z का मान निकलेगा। मतलब क्वेश्चन के आगे भी पूछ सकता है और आगे भी पूछेगा, तो कोई परेशानी नहीं। आइए अगले सवाल में, अगला सवाल आपका 56, 216 और 28 का SCF निकालना है। बहुत आसान बात, आप 56 को क्या लिख सकते हैं, आप 56 को लिखिएगा 2×2×2×7। आप 216 को क्या लिखिएगा, 2×2×2×3×3×3। और 28 को क्या लिखिएगा, 2×2। आप देखिए SCF किसको कहते हैं, SCF वो जो तीनों में हो वही SCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सब में है वही SCF होगा। अब ये 2, इसमें 2, 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहिए इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो वो ले नहीं, SCF वो होगा जो सब में होगा। अगर हम इसका SCF 8 ले लें तो क्या 8 इसको भाग लगाएगा क्या, नहीं ना, इसलिए आपका आंसर होगा 4, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं, अगला सवाल आपका, किसी धन पर
10% की दर से 2 वर्ष का SI 500 रुपया है, तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय में CI क्या होगा? देखिए, 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 20%। 10% वार्षिक, मतलब वर्ष में 10, 2 वर्ष में 20, 20% ब्याज मिलेगा और ब्याज कितना? 500। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अभी अभी आप सीखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। ये 21 कहां से आया? अभी कुछ देर पहले आप पिछले क्वेश्चन में इस बात का चर्चा कर चुके हैं, 21% का मान क्या होगा, ये आपका आंसर है। 500 बटे 20 गुना 21 बराबर 525, ये आंसर है। आप एक बार 21 जान लीजिए कहां से आया, 10 10 20 और 10 गुना 10 100 100 का एक इधर आ जाएगा, 21 हो जाएगा। हमेशा जो आप अभी किए थे 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10, यहां आपको पेन नहीं लगाना है, हम करके बता रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको पेन नहीं लगाना है। 10 का होगा तो 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10, 10 का 10 100 और 100 का 1 इधर आ जाएगा। जैसे 5 है तो 5 का हम क्या लिखे थे, 5 5 10 और 5 गुना 5 25, तो वहां 10.25 होगा, लेकिन जब 12 होगा तो 12 12 24 और 12 गुना 12 144, 144 तीन अंक का होता है ना, एक इधर आ जाएगा, तो 25.44। इसके लिए पेन लगाने का जरूरत नहीं है, और यहां पेन नहीं लगेगा तो यहां इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और देखिए अगला सवाल कितना आसान पूछा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, दोनों मिलकर इतना रुपया कमाते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? देखिए, ए और बी, अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ये 120 कमाता है, इस बात में तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए तो रेशियो जरा, ये 5 रुपया कमाता है तो ये 6 रुपया कमाता है क्या? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 रुपया। अब दोनों का योग कितना है? 11 रुपया। तो दोनों का योग 11 और दोनों का योग कितना? 12 100। दोनों का अंतर चाहिए ना, दोनों का अंतर कितना? दोनों का अंतर 1 1 बराबर कितना, यानी 11 से भाग लगा देना, ये आपका आंसर है। 11 से भाग लगाएंगे 11 बार में, यानी आपका आंसर क्या होगा? 1100। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और सवाल में शायद पेन लगाने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 1 से लेकर 100 तक में 7 से विभाजित संख्या, यानी 7 14 21। आप सीधा 7 से 100 में भाग लगा दीजिए, कितना बार में भाग लगेगा? 14 बार में, वही आंसर हो जाएगा। 100 में आप 7 से भाग लगाएंगे तो मैक्सिमम कितना बार लगेगा? 14 बार। तो आपका आंसर 14 होगा, क्योंकि 15वां संख्या हो ही नहीं सकता है, भाग लगाए तो 14 आया, 15वां संख्या कहां से आया? आपका आंसर। लेकिन आपके अगले एग्जाम में क्या यही आएगा? यही जरूरी है क्या? क्वेश्चन में यह भी आ सकता है 60 से 100 तक में कितनी संख्या है, क्वेश्चन पूछेगा 7 से भाग लगने वाला 60 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे? तो आप 0 से यहां 1 से 60 तक में कितनी संख्या है वो निकालिए। तो 60 में भाग लगाएंगे तो 7 से 7 8 56, यहां 8 संख्या मिलेगा। 7 से यहां भाग लगाएंगे तो 14 7 98 14, यहां से यहां 8 और यहां से यहां 14, तो यहां से यहां कितना होगा? 6, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल आपका, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, क्षेत्रमिति में हम लोग ज्यादा माथा नहीं लगाते हैं, क्षेत्रमिति में जो दिया है उसी से चलना है। दिया क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई 2√3, और ऊंचाई होता क्या है? √3/2 × भुजा, भुजा बराबर क्या? √3 √3 कैंसिल, भुजा बराबर 4, और भुजा हमारे पास है तो क्षेत्रफल निकालना क्या बड़ी बात है, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग अगला सवाल, एक्स प्लस वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में, वाई तथा जेड मिलकर 15 दिन में, जेड तथा एक्स मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये काम किसका? x प्लस वाई का,
फिर ये काम किसका, वाई प्लस जेड का, और ये काम किसका, जेड प्लस एक्स का। ये एक एक दिन का काम है, और इस काम को करने के लिए कौन आया, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। और काम कितना हुआ, तो आप देखिए काम कितना हुआ, 180 15 बार में, 12 बार में और 10 बार में, यानी काम हुआ 37/180। इतना काम कब हुआ, जब तीनों दो बार आए हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए x प्लस वाई, ये काम करने के लिए y प्लस जेड, और ये काम करने के लिए z प्लस x। मतलब तीनों दो बार आया है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2xyz है तब एक दिन में इतना काम हो रहा है, xyz होगा तब कितना काम होगा, तब इतना काम होगा 37/180 गुना दो, एक दिन में इतना काम होगा, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये आपका आंसर 360/37 दिन में। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यदि उस वस्तु को बेचते समय 15% का छूट भी दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन कहता है अगर आपका अंकित मूल्य 100 है मार्क प्राइस, तो आपका सीपी 75 है, ये क्वेश्चन कहता है। अंकित मूल्य का 75% आपका क्रय मूल्य है, अगर ये 100 है तो ये 75 होगा, लेकिन बेचते समय आपने 15% का छूट दे दिया, तो आपने बेचा कितना में, आपने बेचा 85 में, 100 दाम था, 15 छोड़ दिया, बेचा कितना गया होगा, 85 में। लाभ हो रहा है क्या, 10 रुपये का, प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, 10 रुपया का लाभ 75 में गुना 100, ये आपका आंसर है, ये 4 ये 3 40/3%, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु को 1500 रुपया में खरीद कर 2000 रुपया में बेच दिया जाता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, 1500 में खरीदे 2000 में बेचे 500 रुपया का लाभ हुआ, कितना में, 1500 में गुना 100, ये आपका आंसर है, 3/100 यानी 100/3 या 33.1/3%। हालांकि लाभ हानि से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डाला गया है, जिसमें छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर मुश्किल सवालों को भी दिया गया है, आप चाहें तो वहां से भी आप लाभ हानि का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को फिलहाल देखें। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है तथा इन तीनों का योग 180 है, तो बी का मान क्या होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 2 9 योग 9 और योग कितना दिया हुआ है 180, 9 का मान 180, तो 1 का मान क्या, 9 2 18 20। पूछता है बी का मान, बी कितना है 3, तो 3 बराबर क्या 60, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 5 sin 15, साइन 15 को कॉस 75 लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे कॉस 75 गुना क्या, सेक 75 प्लस 2, और टेन 45 का मान हम लोग को याद है, लिख लेते हैं। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या 1 होता है क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 5 × 1 + 2, ये आपका आंसर है 7। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका कितना आसान पूछा है, कॉस थीटा बराबर 3/5, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बी बाय एच, मतलब आधार 3 दिया है और कर्ण 5 दिया है, तो लंब कितना होगा, लंब होगा 4, तो टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या, लंब बटे आधार, लंब का मान 4 निकाले और आधार 3 दिया है। देखिए यहां हम लोग लंब निकाले, तो लंब कहां से निकाले, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 25 − 9 = 4, हम लोग लंब यहां से निकाले, लंब बटा आधार। अब आइए हम लोग
अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल भी वही है, ये लंब है, ये कर्ण है, मतलब हमको आधार चाहिए। तो आधार जैसे हम लोग यहाँ निकाले वैसे निकाल लेंगे, तो आधार कितना निकलेगा, 3। अब चाहिए 1 प्लस 10 थीटा। 10 थीटा का मान क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4/3 आधार। अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3/4, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका आंसर है। इसको क्या लिखेंगे, 3/4 7/3, इसको क्या लिखेंगे, 7/4, ये कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या 4/3, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। देखिए अगर त्रिभुज ये ए है, बी है, सी है, ए का मान क्या 2x, बी का मान क्या 3x-12 और सी का मान क्या 5x-18, तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग 180 लिख सकते हैं, बस वही तो करना है और कुछ नहीं। 2x+3x-12+5x-18=180, 5 × 3 = 8, 2 = 10, 10x और ये 12 = 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। x का मान क्या 21 और आपको चाहिए क्या a, और a कितना है 2x, यानी 2x का मान क्या 42, ये आपका आंसर है। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान, 1200 का 12% प्लस एक्स बराबर क्या 5400 का 18%। अब 2020 काट लेते हैं तो 144 + x और इसको काटते हैं तो ये गुणनफल आता है 972। 972 में ये जाकर घट जाएगा, x का मान कितना होगा 972 - 144, 828, ये आपका वैल्यू है और यही वैल्यू पूछ रहा है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 4:5, तो a अनुपात b अनुपात c निकाले। बहुत आसान सा सवाल, a अनुपात b का मान क्या 2:3, b अनुपात c का मान क्या 4:5, और ए बी सी हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको यहां से गुना कर लेते हैं 8, फिर इसको गुना कर लेते हैं 12, फिर इसको गुना कर लेते हैं 15, यही आंसर होगा, किसका मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πRh, क्षेत्रमिति में जो दिया हो उसी से चलना है। वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ से चलिए। वक्र पृष्ठ का मान इतना 528 और ऊंचाई दिया हुआ कितना 14, आप ऊंचाई पुट कर दीजिए, 2×22/7×r×h का मान 14=528। इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो r का मान निकलेगा 6 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि समचतुर्भुज के लगातार कोणों का मान, अगर ये कोण 2x है तो ये कोण 3x, यही दिया हुआ है, का रेशियो 2:3 है। अब इन दोनों कोण का योग 180 होगा, 2x + 3x = 180, 5x = 180, 5 से काटेंगे 36 बार में, और 2x का मान क्या 72, यही आपका आंसर है, छोटा कोण पूछ रहा है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहां हम लोग इस फॉर्मूले का भी प्रयोग करते हैं, 20+20+20 का 20, तो आंसर क्या 44%। या आप ये भी कर सकते हैं, इस वर्ग का भुजा आप 10 मान लीजिए तो क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल 100। अब भुजा को 20% बढ़ा देंगे तो 10 का 20% 2, यानी 12। अब क्षेत्रफल क्या, अब क्षेत्रफल 12 का² 144, कितना वृद्धि 44%। ये क्वेश्चन आपका 699 को रोमन में कैसे लिखें। देखिए बहुत आसान सा सवाल है,
699 को आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 500 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9, क्योंकि जिसका मान हम लोग जानते हैं उसी को पुट करेंगे ना। 500 के लिए हम लोग रोमन में डी लिखते हैं, इसको डी लिख देंगे, बहुत आसान है। 100 के लिए हम लोग सी लिखते हैं, बहुत आसान है। अब 90 का मान हम लोग को नहीं पता है, तो सी किसका मान होता है? सी का मान 100 और हमको सिर्फ 90 लिखना है, तो उसके पहले x लिख देंगे, तो ये 10, मतलब पहले 10 लिखते हैं तो ये 10 घट जाता है। कैसे? आप देखिए, ये क्या है 5 और ये क्या है 4, तो जैसे एक पहले लिख दिए तो एक कम हो जाता है, उसी तरह 100 के पहले अगर 10 लिख दिए तो 10 कम हो गया, तो ये 90 हो गया। और इसका मान तो आप जान ही रहे, 9 का मान। तो कुल मिलाकर आप रोमन में आप ऐसे लिखेंगे 599। अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन के किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के साथ, और आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल भेज सकते हैं, ताकि सॉल्यूशन देने में सुविधा हो। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।